हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे वाइट चिकन दम बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। यहाँ पर हमको एक मसाला पीस के लेना है। देखिए, सौंफ लिया है मैंने, जावित्री सौंफ 1 टीस्पून, जावित्री का टुकड़ा देख लीजिए, छोटा टुकड़ा है, और 8 से 10 काली मिर्च, 2 टीस्पून अक्का धनिया, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची और छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 2 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची और बादियान का फूल, देखिए 2 टुकड़े लिया है मैंने, और 1 तेज़पत्ता ले लीजिए। और हम इसको पीस के लेंगे, इसको बिना भुने ही हम इसको पीसेंगे। अच्छा, इसका फाइन पाउडर बनाना है। और यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई को गरम करके रखा है, इसमें मैंने प्याज तली हुई है। देखिए, खड़े गरम मसाले ऐड करना है, दालचीनी लौंग ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, ये ऐड करना है हमको तेल में। झटपट से बनने वाली ये वाइट चिकन बिरयानी है, तो ज़रूर ट्राई करिए आप हमारी रेसिपी को। और देखिए, यहाँ पे अच्छे से भून के लेना है आपको। और 1 बड़ी प्याज भी हमने स्लाइस कट करके इसमें ऐड करना है। अच्छा भुनिए, एकदम सॉफ्ट कर दीजिए प्याज को। देखिए, अच्छी भुन गई है प्याज, मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन है 500 ग्राम ये ऐड करना है इसमें। देखिए, अच्छे बड़े पीसेस करवाए हैं हमने। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मीडियम आंच पे आप अच्छे से भूनिए मसाले के साथ में चिकन को। आपको भुनाई बहुत अच्छी करनी है मसालों के साथ में चिकन की, और आपकी जो फ्लेम है मीडियम टू लो ही रहेगी। आप वो वीडियो को फुल वॉच करिए, रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। यहाँ पे देखिए, अच्छे 5 मिनट हो गए, अच्छा हमने भून भून के लिया है, इतना अच्छा आपको भूनना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको अच्छे से कुक करिए, अच्छे से मिक्स करते रहिए, चलाते रहिए, नीचे मसाला नहीं लगना चाहिए। बहुत आसान है ये बिरयानी, आप ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और यहाँ पे देखिए, जो मसाले आपको हमने बताए थे ये हम पीस चुके हैं, और इसमें और चीज़ हम ऐड करेंगे, जैसे कि नमक है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप लीजिए, और ये 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे, 1-2 तेज़पत्ता आप इसमें ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ज़रूर डालिए, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे देखिए, इतना अच्छा हमने भून भून के लिया है इसको, और जो आपको मसाले बताए ये सब इसमें ऐड कर दीजिए, अच्छे से कुक करिए। बिल्कुल भी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ये अपने ही पानी में पकेगी चिकन। अभी हम दही भी ऐड करेंगे, दही के पानी में पकेगी। 150 ग्राम दही लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दीजिए, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मीडियम फ्लेम पे आप इसको कुक करिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको उसको कुक करना है। हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, दही के पानी में, चिकन के पानी में ही चिकन अच्छे से गल जाएगा।
और यहाँ पे देखिए मैंने 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम लिया है। इसको अच्छे से मैंने भिगा के पीस के लिया है। ये भी इसमें ऐड कर दीजिए। इसे मिक्स कर लीजिए। अब आपको लो फ्लेम रखना है। इसको कवर कर देंगे और एक तरफ हम चावल बॉईल करने के लिए पानी गर्म करने रखते हैं। यहाँ पे देखिए पानी हमने गर्म करने रखा है। 2-3 तेज़पत्ते, दालचीनी, जावित्री, लौंग और ज़ीरा ऐड कर दीजिए और 2 टीस्पून तेल भी डाल दीजिए इसी में। नमक डाल दीजिए, थोड़ा नमक ज़्यादा लगता है। पानी अच्छे से बॉईल होना चाहिए, इतना हम उसको ढक के पकाएंगे। तेल 2 टीस्पून ऐड कर दीजिए। कवर कर लीजिए अच्छे से और गर्म होने दीजिए पानी को। ये 1/2 kg हमने बासमती लॉन्ग राइस लिया है, 1 घंटे के लिए मैंने इसको भिगाया है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ये मसाला अच्छा भुन गया है, पक चुका है। 2 टीस्पून आप मलाई इसमें ऐड कर दीजिए। ये घर की मलाई है, आप अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए मलाई डाल के। कवर कर लीजिए इसको। और यहाँ पे देखिए 80% तक चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं। मैं एक बड़े तपेली में इसको बनाऊंगी, तो देखिए आधा चावल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी जो हमने तल के प्याज रखी थी वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। और जो पूरा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। एक ही लेयर हम लगाएंगे तो हम पूरा मसाला एक में ही ऐड कर देंगे। देखिए फिर हम थोड़ी सी प्याज इसमें ऐड कर देंगे। यकीन मानिए ये बिरयानी इतनी टेस्टी बनती है, ज़रूर आप भी ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और जो बाकी के चावल है वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा कोतमीर, हरी मिर्चें हम इसमें ऊपर से लगाएंगे। और तली हुई प्याज आप फिर ऊपर से डाल दीजिए। और थोड़ा सा हमने पीला कलर को 1-2 टेबल स्पून पानी में केवड़ा एसेंस डाला है और साइड में रखा है। यहाँ पे देखिए वही तेल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई करके लिया है, ऊपर से डाल दीजिए। और थोड़ा सा येलो कलर, अगर आपको केवड़ा एसेंस नहीं पसंद है तो आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। और अच्छे से कवर करना है। अभी देखिए एक कपड़ा लगा के हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। हाई हीट पर आप उसको 5 मिनट के रखिए। और देखिए मैंने तवा रखा है नीचे, 5 मिनट के लिए आप तेज़ आंच पे रखिए। फिर आप आँच एकदम स्लो कर दीजिए, 5 से 7 मिनट तक आप स्लो फ्लेम पे इसको कुक करिए। और अच्छे से देखिए मैंने कवर किया है इसको, मैं आपको बताती हूँ। देखिए वो भी हो चुका है, अच्छे से स्टीम आ चुकी है। हम आपको डिश आउट करके भी बताते हैं। देखिए ज़रूर ट्राई करिए, रेसिपी पसंद आती है आपको तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।